नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम आलू और मटर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है और ये भी देसी तरीके से बनाएंगे आज, ना कि अंग्रेजी तरीके से। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हमने मटर जो होते हैं वो छील लेने हैं, और साथ में अब आलू लेंगे। तो दोस्तों, ये आलू है, ये आपको मिट्टी दिख रही है इनके ऊपर, तो आपको इनके सबसे पहले धोना है। धोने के बाद आपने इसको काटना है, क्योंकि अगर मिट्टी वाले हम पहले इसको इसका छिलका उतार देंगे तो मिट्टी फैल जाएगी इसमें, तो इसलिए पहले हमने धो लेते हैं, उसके बाद हम इसको छीलेंगे। तो दोस्तों, तब तक वेट करना है, इसको हम धो लेते हैं। तो दोस्तों, देखा हमने आलू धो लिए हैं, अब धोने के बाद हमने इसको छीलना है, तो छीलते हैं। सबसे पहले हम आलू को छीलते हैं। इसके लिए आपको अलग बर्तन लेना होता है जिसके अंदर आपने छिलका डालना है। तो धोने से क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल मिट्टी अलग हो जाती है और हमारा आलू जो साफ़ रहता है। अगर धोते नहीं है तो मिट्टी बीच में मिल जाती है, जिससे हमें खाते टाइम किरकल जो है मिट्टी हमारे दांतों में आती है। तो हमने इसको धो दिया है। दोस्तों, छल से छीलना है कि इसका छिलका रहने दें। वैसे आलू को छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये धोने से ही हमारा इतना साफ़ हो गया कि इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हम छील लेते हैं कि मिट्टी का कोई कण ना रह जाए। तो दोस्तों, हमने आलू जो है छील लिए हैं, अब इसको काटना है। तो हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। तो ये तो हो गया, अब इसको अलग बर्तन में रख लेते हैं। अब इसको काटेंगे हम। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा करना है, जिसकी आपको खाने में कोई दिक्कत ना हो, गल जाए। छोटा होता है तो गल जाता है, बड़ा तो गलने में टाइम लेता है। तो दोस्तों, अगर आपके आलू में ऐसा है तो हो सकता है वो ख़राब हो, उसको ना डालें, उसको निकाल दो। जो चीज़ जहाँ पर आलू का निशान होता है उसको बीमारी होती है, इसलिए बीमारी वाला आलू ना डालें। तो दोस्तों, हमारे आलू कट गए हैं, इसको काटने के बाद भी एक बार धोना है। अब हम साथ में प्याज भी काट लेते हैं तड़का मारने के लिए।
प्याज काट रहे हैं, प्याज के भी छोटे छोटे टुकड़े काटने होते हैं। तो दोस्तों ये होता है देसी तरीका जिससे हम सब्जी बनाते हैं। अब हम हरी मिर्च डालते हैं। सूखी मिर्च से अच्छा कि आप हरी मिर्च का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि हरी मिर्च के अंदर बहुत पौष्टिक पदार्थ होते हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। तो दोस्तों हमने आलू भी काट लिया है, साथ में हमने ये भी काट लिया है मसाला। अब इसके अंदर मटर करेंगे, मटर हम छील लेते हैं। तो दोस्तों मटर हमने पहले से छील लिए हैं, अब मटर को भी धोना है, साथ में हमने आलू को भी धोना है। इसको हमने मिक्स कर दिया, अब इन दोनों को हमने धोना है। धोने से बाद इसको हमने तड़का मारना है। तड़के में हमें जो मसाला डालते हैं हम सभी बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो दोस्तों ये हमने पानी डाल दिया, इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, इसमें जो धूल मिट्टी ना रहे। तो दोस्तों ऐसे सब्जी जो बनती है देसी तरीके से बनती है, आप भी ऐसे बनाएं, कोशिश करें, जो आपकी सब्जी होगी हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। अब हमने सब्जी को धो लिया है, अब हम इसको तड़का मारेंगे। तो दोस्तों हमने गैस जला दी है, अब इसमें तड़का मारेंगे। अब हमने सबसे पहले सरसों का तेल डालना है। आप इस वीडियो में सीखने कि हम आलू मटर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है, इस वीडियो को देखें और आप आराम से घर में बनाएं। अब हम तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा डालना है जिससे इतना बहुत है। इसके बाद डालना है हमने साबुत धनिया, इसको चकले बेलने से इसको पीसना है, फिर इसमें डालना है। तो दोस्तों इसको चकले बेलने से बिल्कुल मिला देना है। तो अब जैसे क्या ऐसे हो गया, तो इसके बाद हमने इसमें डालना है, तेल गर्म हो जाए तब। तो दोस्तों तेल जो हमारा गर्म हो गया है, महक दे रहे हैं और धुआं निकल रहा है, तो इसके अंदर हमने डालना है हरा सूखा धनिया। जब ये पक जाएगा तो उसके बाद आपने डालना है प्याज और मिर्च, लहसुन भी डाल सकते हैं और मसाला भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये काली मिर्च है, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, साबुत है, अच्छा होता है, इससे पाचन शक्ति जो होती है हमारी अच्छी रहती है। इसके बाद आपने इसमें प्याज डालना है, मसाला पक गया है। हल्दी डालनी है, और नमक डालना है स्वाद के अनुसार। मसाला पक गया है, अब इसमें हमने डालना है आलू और मटर।
दोस्तों इसको मिलाना है। तो दोस्तों देखो आपने कि देसी स्टाइल में कैसे बनाया जाता है। अब इसको क्या करना है, ऊपर ढक्कन देना है और इसको ढक देना है जब तक ये पक ना जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये पक जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होता है बहुत स्वाद होता है, ऐसे बनाते हैं। तो ये है देसी स्टाइल में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं। तो दोस्तों ऐसी जो चीज़ बनती है वो ना ही आपको नुकसान करती है, ना ही आपके पेट को नुकसान करती है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।